साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लग रहा है। दिवाली के ठीक एक दिन बाद सूर्य ग्रहण और अब देव दिवाली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। मेष राशि में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर आने वाला है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। कई दशकों के बाद ऐसी स्थिति बन रही है जब चंद्र ग्रहण के बाद एक ही महीने में 5 प्रमुख ग्रहों की चाल बदलेगी। इस महीने सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र जैसे प्रमुख ग्रहों की राशि परिवर्तन होने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श शाम 5:09 पर होगा, मध्य दिन में 5:12 पर और मोक्ष रात्रि 6:19 पर होगा। ग्रहण भरणी नक्षत्र और मेष राशि पर लग रहा है, अतः जिनका जन्म भरणी नक्षत्र और मेष राशि में हो वे लोग अति आवश्यक रूप से इस ग्रहण को ना देखें। विभिन्न राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। विभिन्न राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव। मेष राशि के जातकों की मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। दैनिक रोजगार को लेकर तनाव के साथ दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में टकराव हो सकता है। माता पिता का विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन भाई बंधुओं को लेकर तनाव रहेगा। ग्रह और वाहन सुख के लिए तनाव में रहेंगे। दांपत्य और प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति होगी। मिथुन राशि के जातकों की आय और उसके साधनों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। सम्मान और परिश्रम के साथ वाणी तीव्रता में वृद्धि देखने को मिल सकती है। कर्क राशि के जातकों का मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर समस्या और अकारण तनाव रह सकता है। धन सम्मान और नौकरी में वृद्धि हो सकती है। शत्रु पर विजय मिलेगी। सिंह राशि के जातकों का सरकारी या उच्च अधिकारी से तनाव रहेगा। ग्रह और वाहन सुख मिलने की संभावना है। आय में वृद्धि होगी। मनोबल और स्वास्थ्य अचानक कमजोर पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों को धन लाभ के संकेत हैं। दांपत्य सुख और प्रेम संबंध में वृद्धि मिलने की संभावना है। विद्या में प्रगति के साथ पराक्रम में वृद्धि होगी। आय के साधनों में थोड़ा तनाव रहेगा। तुला राशि के जातकों को धन लाभ मिलेगा। पराक्रम के साथ मानसिक चिंता एवं तनाव में वृद्धि होगी। माता को कष्ट हो सकता है। दांपत्य और प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का मन मनोबल एवं स्वास्थ्य को लेकर अप्रसन्न रह सकता है। धन और अचानक यात्रा खर्च में वृद्धि हो सकती है। संतान को लेकर चिंता खत्म होगी। धनु राशि के जातकों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। सम्मान और सुख में और क्रोध में अचानक वृद्धि होने की संभावना है। दांपत्य सुख और प्रेम संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है। मकर राशि के जातकों के मनोबल और स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन सीने की तकलीफ और घबराहट हो सकती है। जीवन साथी और प्रेम संबंधों को लेकर मन अप्रसन्न रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को प्रतियोगिता को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। शत्रु पर विजय मिलेगा। सम्मान के साथ व्यय में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। मीन राशि के जातकों को संतान के प्रति चिंता हो सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। भाई बहन और दोस्तों को कष्ट हो सकता है, ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण में राशि के अनुसार करें ये उपाय। मेष, शिव चालीसा का पाठ करें, तिल और गुड़ का दान करें। वृषभ, गरीबों को कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करें। मिथुन, चींटियों को मीठा आटा और गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क, गुड़ और शहद का दान करें, इससे लाभ मिलेगा। कन्या, ग्रहण के बाद गुड़, तिल और अनाज का दान करें। तुला, तीर्थ यात्रा करें, ऊनी कपड़ों और गेहूं का दान करें। वृश्चिक, सफेद तिल, गुड़, दूध और गेहूं का दान करें। कुंभ, शहद, गुड़ और तिल का दान करें, शुभ होगा। मीन, घी, शहद, तिल, गुड़ का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। कई राशियों को होगी परेशानी। खास उपायों से मिलेगा लाभ।